असलकम वाला बबरक़ा अवज़बिल्ल अमिन शैतवान बसमिल्लर तव्व पर लिखी हुई किताब एकमाश्यम पर गुफ्तु कर रहे हैं उससे सबक हासिल कर रहे हैं पाँचवें बाप के आज एक और टॉपिक पर हम लोग गुफगू करेंगे सबक हासिल करेंगे उससे और वो है मौलिया अल्लाह की मार्फ़त तंजिया है उस जात पाक के वास्ते जिसने अपने ओलिया की तरफ राहियाबी का वही तरीका रखा जो अपनी तरफ रयाबी का तरीक़ा ठहराया और अपने ओलिया तक उसी को पहुंचाया जिसको अपनी अपनी तरफ पहुंचाना चाहा यानी जानना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपनी जात पाक को अपनी मखलूक के पर्दों में हमारी नजरों से पोशीदा फरमाया है के हमारी नज़रों में मखलूक़ात ज़मीन व आसमान चाँद सूरज सितारे हवाना नबाता इंसान आते हैं और खालि की ज़ात आली बावजूद गायत ज़हूर हमारी नज़रों से छुपी हुई है और इस कदर छुपी हुई है कि बास को रफ़हूम ने तो खुदा तला की ज़ात पाक का इनकारी ही कर दिया और जिन पर अल्लाह ताला का फ़जल हुआ और उसकी वहदानीत और पैगंबरों की रसालत पर ईमान लाए और जिन पर फजल ख़ास मतवह हुआ उनको अपनी मारफत का हिस्सा भी अता फरमाया तो अल्लाह ताला की मारफत हासिल होने का जरिया रास्ता और उसकी बारगा तक रायाबी का तरीक़ा बस उसी का फजल ख़ास है फ़जल ख़ास कोई दूसरा ज़रिया व सबब नहीं है इसके बाद समझो कि मुसनफरम बतौर तजब फरमाते हैं कि वो ऐसा पाक है और पाकि उसी के वास्ते है कि उसने जो तरीक़ा अपनी मार्फत का ठहराया है वो ही तरीक़ा अपने ओलिया की मार्फत का रखा इसलिए कि जिस तरह अपनी ज़ात को मखलूक ज़ायरी के पर्दे में छुपाया है उसी तरह मौलिया अल्लाह को भी उनके अहवाल ज़ायरी काने पीने वगैरह में छुपा दिया और जिस तरह अपनी ज़ात तक पहुँचने का तरीक़ा अपने फ़जल ख़ास को ठहराया है उसी तरह अपने अलिया की मार्फत का तरीक़ा भी यही मुकर फरमाया है कि जिस पर फजल होता है उसी को उन हजरात की पहचान होती है ना हर शख्स को मार्फत इलाही नसीब होती है और ना हर शख़्स को उसके ओलिया की मार्फत की भी होती है बल्कि बाद बुज़ुर्गों ने तो ये फरमाया कि अल्लाह ताला की मार्फत से वली की मार्फत सख्त तिर है इसलिए कि हक ताला का जमाल व गायत ज़रूर में है और वली औरों की तरह सब काम करता खाता है पीता है निकाह करता है मामला तनवाई दोनों ही करता है उसका पहचानना बहुत मुश्किल है आगे इरशाद है कि सुबहान अल्ला क्या कुदरत है और इसका क्या फ़जल है कि अपने अलिया तक उसने उसको पहुंचाया जिसको अपने तक पहुंचाना चाहा यानी अलिया अल्लाह की महब्बत मार्फत और उनकी सहबत खासा उस शख़्स को नसीब फरमाई कि जिसको यूं चाहा कि उस शख़्स को अपनी ज़ात आली तक पहुंचाए और राज उसमें यह है कि ये हजरत अल्लाह ताला के महबूब होते हैं और जो महबूब को चाहता है ज़ाहिर है कि वो भी महबूब हो जाता है बस जो कोई इन हजरत से मोहब्बत करेगा यानी अल्लाह से मोहब्बत करेगा येमतें उस अमर की के उसको अल्लाह ताला चाहता है और उसको मार्फत अपनी नरसीब फरमाएगा तो इस जगह पर मुन्नफ़ाब फरमा रहे हैं कि यानि अल्लाह जिसको चाहता है उसको अपने दोस्त की मार्फत अता करता है और अपने दोस्त की मार्फत अल्लाह पाक उस शख़्स को अता करता है जिसको वो चाहता है कि मुझ तक पहुँचे और ये अल्लाह तला की फज़ल है फजल के अलावा अपनी मेहनत से कोशिश से कोई शख्स जो है रब तक नहीं पहुँचता बस हम लोगों को दुआ करना चाहिए और वक्त के अल्लाह तला अपनी फजल से अपने कर्म नवाज़ी से हम लोगों को के ऊपर अपना फ़जल करके हम लोगों को वो रास्ता दिखाए जो उसके ख़ास बंदों तक पहुँचा देता है और उनके ज़रिए से मौला सलाम तक पहुंचा देता है और यूँ सरवर दोआलम सल्लम तक पहुंचा देता है ये वसल फिर इंसान को उसकी मार्फ़त तक ले के जाता है तो इंसान को अल्लाह की सोहबत हमेशा ढूंढने की कोशिश करना चाहिए औलिया अल्लाह की सोहबत में रहें और औलिया अल्लाह चूँकि आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं तो उनको पहचानने के लिए ख़ास आँख की ज़रूरत है और हर वक़्त हम लोग दुआ करें अल्लाह पाक वो ख़ास आँख हम लोगों को अता फरमाए वो बसारत अता फ़रमाए बसरत अता फरमाए ताकि हम लोग इस काबिल हो सकें उसके अल्लाह पाक के ख़ास बंदों की पहचान कर सकें और उनकी सहबत में रह सकें ताकि अल्लाह पाक हम लोगों को कबूल फरमाए और अपनी मार्फत अता कर दें और अपने नफ्स की भी मारफ़त हम लोगों को अता कर दें कि हम लोग हैं क्या चीज़ बस दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़